अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक मिठाई है, और ये बहुत आसान और सिंपल तरीके से बनने वाली है। ये है बेसन के लड्डू, जो कि बहुत सारे मिठाइयों की दुकान पे आपने यकीनन हलवाइयों से मंगा के खाया होगा। बहुत मज़े के होते हैं। आज घर में हम बहुत बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। चले, मैं इसको शुरू करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। इसमें हम 1 कप जो है तकरीबन, ये कप हमारा है, इसमें जो है असली घी डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। ये हमने आधा कप लिया है, और इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम बाकी चीज़ें भी डालेंगे। ये हमने आधा कप जो है वो घी ले लिया है, असली घी। अब हम इसमें इसको गर्म करेंगे। ये हम मीडियम आंच पे इसको रखेंगे। ये तकरीबन गर्म हो गया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हम इसी कप के लिहाज से 2 कप हम बेसन लेंगे। ये मैंने 2 कप बेसन निकाल लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको हम बिल्कुल मीडियम आंच पे भूनेंगे। ये इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए आपने इस हद तक भूनना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको इसमें लगेंगे, और ये आप इसमें आप फील करेंगे जैसे ही इसमें ये घी छोड़ने लगे तो समझें ये भून जाएगा, और इसमें खुशबू सी आने लगेगी तो समझ लें आप ये भून जाएगा। अभी इसमें जो है इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर, ये हमारा जो है बेसन तकरीबन 10 मिनट हो गए, काफ़ी हद तक भुन गया है, और ये इसका कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसको तकरीबन 2-3 मिनट हम और भूनेंगे। और इसमें हम पिसी हुई इलायची, ग्रीन इलायची हमने ली है, तकरीबन 2-3 इलायची लेके उसको बिल्कुल पीस लिया है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमने इसमें पिसी हुई इलायची डाल दी है, और इसके साथ ही हम ये भून भी रहे हैं। लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आ जाएगा, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा होगा ये कलर। ये हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि ये ब्लैकिश हो जाए, इसमें खुशबू आने लगेगी। और ये देखिए, ये इसने पैन को भी छोड़ दिया है, और ये घी भी इसका बिल्कुल अलग से ऊपर आ गया है। इसको बस इसी तरीके से हमने 2 मिनट और भूनना है, और बस फिर इसको हम ठंडा करेंगे। और इसमें साथ ही अभी हम ऐसा करते हैं कि बादाम और पिस्ते हमने काटे हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। जो लोग चाहें कि बादाम और पिस्ते जिनको पसंद है वो लोग इसमें डाल लें, और जिनको नहीं पसंद वो चाहें तो नहीं डालें। ये हमने साइड पर कर दिया है। ये देखिए, इसमें हमने थोड़े से ये पिस्ते डाल दिए, काट लिए थे हमने, और ये थोड़े से बादाम हम इसमें डाल देते हैं। ये बस अब हम इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारा भून गया है। बस अब हम इसको आंच को बंद कर देंगे अपने चूल्हे की, और इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा बेसन ठंडा हो गया, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 कप यानी कि 1 कप के 3 हिस्से हम चीनी पिसी हुई इसमें डालेंगे। ये जो हमारा कप की मेजरमेंट थी इसी के मुताबिक हम इसके 3 हिस्से तकरीबन इतना हम चीनी इसमें डालेंगे। ये मैंने मेजर कप करके रखी हुई है। ये देखिए, ये मैंने 3 हिस्से तकरीबन 1/4 कप के करीब चीनी इसमें रखी है पिसी हुई। ये अब हम इसमें मिक्स करेंगे, और फिर मिक्स करने के बाद इसके बस लड्डू बनाएंगे हम अपने। इसको हम अच्छी तरह से, बस हम चूल्हा हमारा बंद है, बस हम इसको ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके बाद, बस मिक्स करने के बाद इसको हल्का हल्का सा, ये गर्म है बस, इसको हम इसको मिक्स करने के बाद लड्डू बनाएंगे हम। ये हमने जो जितनी भी चीनी पिसी हुई थी वो सब हमने हाथ से इसमें मिक्स कर लिए। ये बिल्कुल हल्का हल्का गर्म है। अब हम इसके बस जितने साइज़ के हमें लड्डू बनाने हैं अब हम वो लड्डू बनाएंगे। ये देखें,
बिल्कुल परफेक्ट हमारे लड्डू बन गए बेसन के। ये अब हम बस रेडी करके और इसको बस ये हमारे तैयार है। चाहे तो आप जो है बादाम या पिस्ते ऊपर से आप इसमें गार्निश के लिए लगा सकते हैं। ये मैं आपके लिए रेडी कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये लड्डू हमारे बेसन के रेडी हो गए हैं और बहुत मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों से ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।